धड़कन में कहती है एक तू ही यार मेरा मुझको। If you risk it, tired, then take off your clothes. So guys, सबसे पहले यहाँ पर आपको Coinmaster एप्लीकेशन को ओपन करना होगा, इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन पर। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और वो जो बेल आइकन है ना उससे आपको खास करके क्लिक करना होगा। तो अगर आपको इस Coinmaster को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तब आप हाउ टू डाउनलोड वीडियोज देख सकते हैं, वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन पर। तो यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले इस प्लस आइकन पर क्लिक करना है, 1:1 रेशियो को चूज़ करना है, और इस सेटिंग का ऑप्शन पर जाना है, और इस एडिटिंग का ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपको इसे 0 तक करना है। तो यहाँ पर जैसे कि सबसे लास्ट तक करना है, और यहाँ पर आपको इससे फिल स्क्रीन करना है। देन गाइस आपको इस राइट का ऑप्शन पर क्लिक करना है, और आप जिस इमेज पे स्टेटस सब कर रहे हो उस इमेज सब को आपको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं जैसे कि इंपोर्ट कर लेता हूँ उस इमेज सब को। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज सब को इंपोर्ट करने के बाद क्या करना है, आपको हर इमेज का विनेट को एनेबल करना है। तो यहाँ पर मैं सब इमेज का विनेट को एनेबल कर देता हूँ। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इमेज का हेड नहीं दिखने मिल रहा है, तो इस फोटो पे टाइप करना है, और यहाँ पर पैन एंड जूम का ऑप्शन पर जाना है, और उससे आपको कुछ डाउन करना है लाइक दिस। उसके बाद आपको इस इक्वल का ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जिस इमेज पे नहीं दिखाई मिल रहा है हेड तो उस फिर से आपको उस इमेज पर जाना है, पैन एंड जूम का ऑप्शन पर जाना है, और इसे आपको नीचे करना है, और इस इक्वल का ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वीडियो 1 सेकंड का बन चुका है। उसके बाद इस शेयर का ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इसे आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस एक्सपोर्ट करने के बाद आपको फिर से इस प्लस आइकन पे क्लिक करना है, 1:1 रेशियो को चूज़ करना है, और इस सेटिंग का ऑप्शन पर जाना है, इस एडिटिंग का ऑप्शन पर, और यहाँ पर फिल स्क्रीन पर क्लिक करना है। देन गाइस आपको इस राइट का ऑप्शन पर क्लिक करना है, और आपको और कुछ इमेज सबको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं जैसे कि और कुछ इमेज सबको इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो वो इमेज सबको इंपोर्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको हर इमेज का विनेट को एनेबल करना है। तो जैसे कि मैं विनेट को एनेबल कर देता हूँ, उसके बाद फ्रेंड्स आपको उस इमेज का साइज को मतलब टाइम को थोड़ा सा घटाना है। तो यहाँ पर मैं जैसे कि है उस इमेज सब का टाइम को घटा लेता हूँ। और गाइज आपको ये 3 फोटो ऐड करने के बाद आपको इससे भी इसका भी टाइम को घटाना है। देन गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसे और थोड़ा घटा लेना है, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस ऑडियो का ऑप्शन पर जाना है, और मैं एक ऑडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पर, तो आपको उस ऑडियो को यहाँ पर इम्पोर्ट कर देना है। सो गाइज सॉन्ग को इम्पोर्ट करने के बाद आपको इसे सुन लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको इस मीडिया का ऑप्शन पर जाना है, और आपको और एक इमेज को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं सिंपली और एक इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो उस इमेज को इंपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, उस इमेज पर टैप करना है, और विनेट को एनेबल जरूर करना है, और इस पैन एंड जूम का ऑप्शन पर जाना है, और उसका हेड को जैसे देखने को मिले उसके बाद आपको इस इक्वल का ऑप्शन पर क्लिक करना है, और विनेट को मैं एनेबल कर देता हूँ। सो गाइज उसके बाद आपको क्या करना है, इस मतलब इस फोटो पर टैप करना है, और इस फोटो का टाइम को आपको कम से कम यहाँ पर 2.506, तो यहाँ पर मैं जैसे 2.506 पे कर लेता हूँ इसे। तो यार आगे बढ़ने से पहले आपको आज के स्पॉन्सरशिप के बारे में बता दूँ। आज का स्पॉन्सर है वंडरशेयर यूनिकॉर्न कन्वर्टर। ये एप्लीकेशन जो है ये ऑल इन वन वीडियो टूल्स बॉक्स के एप्लीकेशन है। इसमें आप वीडियो को कन्वर्ट कर सकते हो, वीडियो को एडिट कर सकते हो, वीडियो को कंप्रेस कर सकते हो, और आप अगर गेम प्ले रिकॉर्ड करते हैं या तो यूट्यूब में कोई अपना ट्यूटोरियल दिखाते हैं लैपटॉप से, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। यूट्यूब और भी बहुत सारे स्ट्रीमिंग मीडिया यहाँ पर से प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं इन सिंगल क्लिक। देखा जाए तो ये ऑल इन वन वीडियो टूल बॉक्स है जहाँ पर से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको अलग अलग हर एक चीज़ के लिए कंप्रेस करने के लिए, एडिट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए अलग अलग कोई एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा वीडियो एंड ऑडियो फॉर्मेट को एक्सेस कर पाएंगे और कन्वर्ट कर पाएंगे? 1080p से 4K तक कन्वर्ट कर सकते हो, और भी 4K 8K वीडियोज़ को आप एक्सेस करके कन्वर्जन आप कर सकते हैं। खैर यहाँ पर इस कन्वर्जन स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, और बहुत ही एक साथ में आप मल्टीपल फाइल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट फेज पे जहाँ पर ही आप वीडियो को ट्रिम कर सकते हो, वीडियो को क्रॉप कर सकते हैं, सबटाइटल ऐड कर सकते हो वीडियो पे, वाटरमार्क ऐड कर सकते हो। अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आप वहाँ पर ही डायरेक्टली वाटरमार्क ऐड कर सकते हो, इफेक्ट डाल सकते हो, यहाँ पर ऑडियो मिक्सिंग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप आराम से एक सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फोटो को मैं 2.506 टाइम पे कर चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइम। तो यहाँ पर उसके बाद आपको क्या करना है, इस मीडिया का ऑप्शन पर डायरेक्टली जाना है, और यहाँ पर जो आप एक्सपोर्ट किए थे उस वीडियो को यहाँ पर डायरेक्टली इंपोर्ट कर दें। तो यहाँ पर आपको मैं जैसे कि 2 वीडियो को इंपोर्ट कर लेता हूँ। 2 वीडियो को इंपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से सुनना है बीट कहाँ पर डाउन हो रहा है। तो जहाँ पर बीट डाउन हो रहा है वहाँ पर आपको फिर से एक फ़ोटो को ऐड करना है। तो इस मीडिया का ऑप्शन पर जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पर उस फोटो को इंपोर्ट करना है।
फोटो को इंपोर्ट करने के बाद आपको उस विनियट को एनेबल करना है, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है उस वो फोटो का टाइम मैं कह देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वीडियो 4.919 सेकंड तक है, उसके बाद आपको एक फ़ोटो को ऐड करना है। तो यहाँ पर जैसे कि ये बीट डाउन हो जाता है इस सॉन्ग का, उसके बाद ये फ़ोटो का आपको 7 सेकंड तक करना है, 7 सेकंड तक कर लेना है। तो मैं सिंपली इसे 7 सेकंड तक कर लेता हूँ। के बाद फ्रेंड्स आपको फिर से इस मीडिया को ऑप्शन पर जाना है और जो आप एक्सपोर्ट किए थे उस वीडियो को दो बार इंपोर्ट कर दें। देन गाइज आपको इस लेयर का ऑप्शन पर जाना है, इस मीडिया का ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपको इस पार्टिकल को इंपोर्ट करना है। सो गाइज इसे इंपोर्ट करने के बाद आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पर क्लिक करके आपको इसे फिट करना है, और नीचे में ब्लेंडिंग पर जाना है और यहाँ पर स्क्रीन पर क्लिक करना है। देन गाइज आपको इस लेयर का ऑप्शन पर जाना है, इस मीडिया का ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपको इस कलरफुल वीडियो को इंपोर्ट करना है। सो गाइज इसे इंपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इसे फिट करना है, और नीचे पे ब्लेंडिंग पर जाना है और यहाँ पर स्क्रीन पर क्लिक करना है, और इसका कुछ टाइम के लिए स्टार्टिंग टाइम कट करना है। देन इसे होल्ड करके आपको स्टार्टिंग टाइम तक ला देना है और इस लेयर का ऑप्शन पर जाना है, उसके बाद इस मीडिया का ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपको इस बॉर्डर का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर। तो आपको इस बॉर्डर को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके आपको इसे फिट करना है और नीचे पे ब्लेंडिंग पर जाना है और यहाँ पर ओवरले पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस लेयर का ऑप्शन पर जाना है, इस टेक्स्ट का ऑप्शन पर, और अगर फ्रेंड्स आपको लोगो रहता तो अच्छी बात है, वरना यहाँ पर आप नेम टाइप करके आप एक अच्छा से फॉन्ट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली एक लोगो को इंपोर्ट कर लेता हूँ और उसे मैं सही पोजीशन पर रख लेता हूँ। सो गाइज यहाँ पर मैं लोगो को इंपोर्ट कर चुका हूँ और उसे नीचे की तरफ रख दिया हूँ। तो यहाँ पर आपके ये स्टेटस बनके तैयार हो चुका है। अब मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ। सो गाइस ऐसे करके सिंपली आप बना सकते हैं ये वाले स्टेटस। तो बस फ्रेंड्स इस वीडियो में इतने ही, देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और मुझे इंस्टाग्राम पर प्लीज़ फॉलो कर लें।